हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है काइनेमैटिक्स का पार्ट टू, जो कि होने वाला है मोशन इन अ प्लेन। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था मोशन इन वन डायमेंशन, यहाँ पे हमारे पास है मोशन इन टू डायमेंशंस, यानी कि मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पे हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो ये सुनिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे ग्राफ्स क्या हमें बताते हैं, जो हमारे ग्राफ्स काइनेमैटिक्स में बेसिकली यूज होते हैं, हम उनके बारे में सीखेंगे। उसके बारे में हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद में हम आएंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। हर एक टॉपिक को हम एकदम क्लैरिटी से आज समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अच्छे से दूसरी तरफ तो बैठे हो स्क्रीन के, लेकिन साथ साथ में बोलते जाना, ध्यान देते जाना, इसी क्लास में इस टॉपिक को कवर करके जाना और बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है? तो एकदम अच्छे से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना बच्चे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स से। ओके, सबसे पहले व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ग्राफ, व्हाट इज अ स्लोप एंड व्हाट इज एरिया अंडर अ ग्राफ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई मेड दिस ग्राफ बच्चे, ठीक है, दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, ठीक है। अब व्हाट डज अ स्लोप मीन, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे बच्चे कोई ग्राफ बनाती हूँ, तो ठीक है, इस तरह से मेरे पास में कोई ग्राफ दिया गया है, तो टेन थीटा इज आर स्लोप, टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ आर ग्राफ, ठीक है। ये हमें समझ में आना चाहिए। tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा, राइट? तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऐसा बना देती हूँ कि सपोज ये हो जाता है हमारा v, ठीक है, वेलोसिटी, और ये हो जाता है हमारा टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा, v अपॉन t क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, dv by dt हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। देयरफॉर द स्लोप, स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इतना ईजी है, ठीक है। अब अगर यहीं पे हमारे पास में कोई ग्राफ आ जाता है और हमें बताना होता है ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, हमें अगर ये बताना है कि ये जो स्लोप, ये जो हमारा ग्राफ बना है, ठीक है, इसका एरिया हमें क्या बताता है, इसका एरिया हमें क्या बताएगा, तो एरिया का हम कैसे बताएंगे, जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, y into x में जो हमारा आएगा ना, वो हमें उस चीज का एरिया बताएगा बेटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल्स टू d बाई t होता है कि नहीं होता है, देयरफॉर हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देयरफॉर ये जो, अगर ये हमारा v इंटू t का ग्राफ होगा, तो v इंटू t ग्राफ का जो मल्टीप्लीकेशन, जो एरिया होगा, वो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और अगर स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। इस चीज को तुम लोग ध्यान रखोगे, एकदम अपने दिमाग में इस चीज को डाल लो बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लीनियर एंड वेरिएबल स्लोप की तरफ। हमारे पास में दो तरह की स्लोप बन सकती हैं बच्चे। एक तो हमारे पास में ऐसी स्लोप बन सकती है, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेते हैं वी और टी का। इस ग्राफ का क्या मतलब है कि अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इक्वल ही हमारा वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है। जितना टाइम बढ़ता जा रहा है, उतना ही हमारा वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे सपोज हमारी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी हो गई कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इक्वली ये इक्वल रेशियो से बढ़ता जा रहा है। अब देखो, अगर मेरे पास में कोई ऐसा ग्राफ होता है जो इस तरह से जा रहा है, ये अगेन यहाँ पे v है, ये अगेन यहाँ पे t है, तो यहाँ पे इनिशियली तो हमारा स्लोप कितना था, इनिशियली हमारा स्लोप यहाँ पे कम था। देखो
ये जो हमारा स्लोप था इनिशियली कम था, बाद में ये स्लोप ज़्यादा हो गया, यानी कि पहले जिस हिसाब से हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ में डिफर कर रही थी, बाद में उसमें चेंज आ गया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्लोप हो जाएगा। यहाँ इक्वली बढ़ रहा है, इक्वल रेशो से बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर स्लोप है। यहाँ पे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, यहाँ पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ इसके बीच में रिलेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो वहां पे वेरिएबल वाले में तो नहीं है। हमें ये चीज यहां पे समझ में आ गई है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप और एरिया हमें क्या बताता है, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, डी से बता देते हैं, और ये रहा हमारा टाइम, ठीक है। अब इसके बीच में ये मैंने बना दिया डायग्राम, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या बताएगा और इसका एरिया क्या बताएगा, मैंने बताया था स्लोप कैसे बताएंगे हम, टेन थीटा से बताएंगे। टेन थीटा क्या हमें बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस, यानी कि डी अपॉन टी। डी अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। देयर फोर द स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ विल गिव अस द वेलोसिटी, ठीक है। अब यहीं पर एरिया की बात करती हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा, d इंटू टी, और d इंटू टी जैसा हमारा कुछ नोन है नहीं, देयर फोर यहाँ पे एरिया हमें कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि हमारे पास में आ जाता है, तो हमें पता है कि स्लोप क्या बताएगा और एरिया हमें कुछ बता नहीं रहा है। तो स्लोप हम याद रखेंगे कि हमें स्लोप क्या बताता है, उसका वेलोसिटी बताता है। इसी तरह से अगला देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल्स में तुमको बताया था। ये रहा हमारा वेलोसिटी, ये रहा हमारा टाइम, चलो ये रहा हमारा ग्राफ। अब इसमें अगर मुझे स्लोप बताना होगा, तो स्लोप कैसे बताऊंगी मैं, v अपॉन t, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है ना बच्चे, तो स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सिलरेशन बताएगा। इसी तरह ही एरिया हमें क्या बता रहा है, एरिया यानी कि v इंटू टी हमें क्या बताता है, हमें पता है ना s इज इक्वल्स टू डी बाई टी, पता है कि नहीं पता है, तो ये हमारा क्या बता देगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताएगा बच्चे। तो देयरफोर हम लोगों को ये पता है, हम लोगों के पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाता है, तो हमें स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, और एरिया क्या बताएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ग्राफ्स इन मोशन, रेस्ट एंड एक्सेलरेशन, अब ये कैसे बताते हैं, सपोज ये हमारा ग्राफ है वी टी ग्राफ है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया, इसका मतलब क्या होगा, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह से समझो मैं बताना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, इसी तरह का अगर मैं ग्राफ बना देती हूँ ऐसा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो उतना का उतना ही है, यानी कि बॉडी कैसे पे होगी, यानी कि बॉडी हमारी रेस्ट पे होगी, ठीक है। इस तरह से हमें ग्राफ्स को समझना है, बहुत ही इजी है ग्राफ्स, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होते हैं हमारे मोशन को एक्सप्लेन करने का, और वही हमें यहाँ पे समझना था। अब देखो ये बताओ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन इज कैसा होगा। अब देखो रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली हमारी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी टाइम के साथ में, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, याद है ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी हमारी बढ़ रही होती है पर यूनिट टाइम, और रिटार्डेशन का मतलब वो कम हो रही होती है बच्चे। तो रिटार्डेशन में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, यानी कि इसका स्लोप कैसा है, स्लोप है नेगेटिव, आंसर जाएगा बी नेगेटिव। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ अ बॉडी, ये मैंने अभी ही बताया है, ये मुझे चाहिए आंसर कमेंट सेक्शन में,
ठीक है, स्लोप और एरिया का मतलब तुम्हें समझ में आ ही गया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, ये मत समझ लेना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना बच्चे। अगले की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंट केसेस हमारे पास में आ जाते हैं किसके, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में, ठीक है। एस टी ग्राफ यानी कि क्या है, एस यहाँ पे क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब एट रेस्ट अगर होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो जीरो ही रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा। फिर यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हमारी स्लोप कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है यानी कि कॉन्स्टेंट हमारा यहाँ पे वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा इस तरह का ग्राफ। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी बदल रही है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से बदल रही है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बोलता है, वेलोसिटी देता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो सीधा सीधा ग्राफ होगा, लेकिन अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो थोड़ा सा यहां पे हमारे पास में कर्व्ड ग्राफ आ जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन विद यू इट नॉट इक्वल टू जीरो बट एस इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू जीरो, क्या फर्क है इसमें, U इज इक्वल्स टू जीरो, एस इज इक्वल्स टू जीरो, टी इज इक्वल्स टू जीरो था यहाँ पे, यहाँ पे U इज इक्वल टू और अबाउट टू जीरो है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ग्राफ बन जाता है, बस इतना सा ही हमें ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, कर्व्ड ग्राफ बन रहा है और कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं है। अगर रिटार्डेड मोशन की मैं बात करती हूँ तो जैसा यहाँ पे ग्राफ बन रहा है ना बच्चे, ऐसा ऐसा ग्राफ बन रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा बस, और कुछ भी फर्क नहीं है इसमें, ठीक है, बस स्लोप का यहाँ पे बेटा फर्क आ जाता है, ठीक है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के डिफरेंट केसेस की बात करती हूँ तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है तो हमारा जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप है वो हमें क्या बताता है, एक्सिलरेशन बताता है, राइट। अब अगर ये स्लोप हमारी एक जैसी है यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बच्चे, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो, विद यूनिफॉर्म मोशन विद यू अबाउट जीरो, यानी कि यू हमारा मे नॉट बी जीरो हो सकता है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी हमारी इनिशिएशन पॉइंट पे अगर होगी तो थोड़ा सा ऊपर से जहां से वेलोसिटी स्टार्ट है वहां से हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है, स्लोप तो हमारी वैसी की वैसी रहनी है, कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है। हमें क्या समझना है यहां पे कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा यानी कि वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्मली बढ़ रही होगी तो हमारा स्ट्रेट लाइन यहां पे ग्राफ बनने वाला है बच्चे, ठीक है। अब देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास में नेगेटिव ग्राफ बन रहा है, यानी कि यहां पे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म अगर की बात करते हैं यानी कि हमारी वेलोसिटी एक्सक्यूज मी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है हमारी यहाँ पे, लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो हमारा ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हमारा क्लियर होना चाहिए एकदम। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है, दिस शुड बी परफेक्टली क्लियर। Now, अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्कुलर मोशन की तरफ, नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्कुलर मोशन, वो सबसे बड़ा झूला देखा है, मेरा तो फेवरेट है, मेले में जाते हैं गोल झूला होता है ना सबसे बड़ा, मेरी गो राउंड जिसको बोलते हैं हम, वो क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, यानी कि एक सेंटर के अराउंड घूम रहा होता है, वो सर्कुलर मोशन होता है। हमारी अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। मून हमारा अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन है। एक पत्थर लो, ठीक है, उसको स्ट्रिंग से बांधो और इस तरह गोल गोल घुमाओ, क्या है, सर्कुलर मोशन है। यानी कि सर्कुलर हमें समझ में ही आ रहा है, एक सेंटर है और उसके आसपास में इस तरह से अगर कोई भी चीज घूम रही है तो वो होता है हमारा सर्कुलर मोशन, और उसी की फिजिक्स हम यहाँ पे बच्चे समझने वाले हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे,
सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ. समझा दिया है मैंने, सर्कल है, एक सर्कल है हमारे पास में, एक सर्कल है, एक सेंटर के अराउंड घूम रही है कोई भी चीज, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे. दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसको अब हम समझने वाले हैं बच्चे, ठीक है. इट कैन बी यूनिफॉर्म विद कॉन्स्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन. क्या होता है ये एंगुलर, कहाँ से आ गया, वो समझाने वाली हूँ. और नॉन यूनिफॉर्म विद चेंजिंग रेट ऑफ रोटेशन. एग्जाम्पल्स क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो रोटेट करती है, हमारा जो फैन होता है, फैन भी तो घूम रहा है, कैसे सर्कुलर मोशन में ही तो घूम रहा है, ठीक है. ये सारे हमारे सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. अब थोड़ा सा इसका डिटेलिंग हम लोग समझते हैं बच्चे, ठीक है. सर्कुलर मोशन की एक परफेक्ट सर्कल बनाते हैं इससे पहले, ठीक है. ये रहा हमारा एक परफेक्ट सर्कल, बढ़िया बनाया है कंप्यूटर ने, ठीक है. चलो देखो, अब यहां पे ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा हमारा इसका रेडियस, ठीक है. अगर कोई भी चीज यहां पे घूम रही है और उसकी अगर कोई कांस्टेंट स्पीड है, ध्यान रखना मेरे शब्द, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसकी कांस्टेंट स्पीड है बच्चे, कितनी स्पीड है, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है. लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. पहले अगर ये पॉइंट यहाँ था तो इसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है. यहाँ पे अगर पॉइंट है तो इसका डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे अगर है तो इसका डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे अगर है तो इसका डायरेक्शन ऐसा है. यानी कि डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. मैंने बताया था वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लेंगे. सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर यहाँ पे वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है. और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, देयरफॉर देयर इज एन एक्सीलरेशन हियर, यहाँ पे एक एक्सीलरेशन भी हो रहा होगा. क्योंकि वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चे, एक्सीलरेशन होता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके कौन से थे, या तो मैम मैग्नीट्यूड बदल देंगे या तो उसका डायरेक्शन बदल देंगे. डायरेक्शन बदल दिया बच्चे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे एक एक्सीलरेशन हो जाएगा. अब इस चीज को और समझो कि अगर किसी भी चीज को मुझे घुमाना है, ये रहा हमारा एक सर्कल, ठीक है. अगर यहां पे मुझे किसी भी चीज को घुमाना है गोल, तो ये रहा हमारा इसका रेडियस, ठीक है. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा होगा, अगर मुझे इसको इस डायरेक्शन में अब टर्न करना है, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर टर्न करना है तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा. अगर एक बॉडी है वो कांस्टेंट ऐसे चल रही है तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो इस ऑब्जेक्ट पे जो यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है उसके ऊपर बेटा एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं हम उसको. क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स. और इसी में जो एक्सीलरेशन हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है. सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होता है, एक फोर्स काम करता है जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है. अगर तुम एक पत्थर को लोगे और गोल 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 घुमाओगे तो वो जो रस्सी है जिससे वो कनेक्टेड है पत्थर, उस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो उसको गोल घुमाने में मदद करता है. जैसे ही उस फोर्स को मैं गायब कर दूंगी, पत्थर कैसे चला जाएगा, अगर सपोज इस पॉइंट पे पत्थर है और मैंने फोर्स को गायब कर दिया तो वो गोल नहीं घूमेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा. गोल घुमाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, और वो कौन सी फोर्स है बच्चे, वो है सेंट्रिपिटल फोर्स. और जब पत्थर ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा उसके पास कौन सा एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है. अब देखो, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब हम सर्कुलर मोशन के टाइप्स के ऊपर आ गए हैं बच्चे. दो प्रकार का होता है. सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हम क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है स्पीड की, कि वहां पे कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखती है. अगर 2 मीटर पर सेकेंड
है तो वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन, जिसकी हमने अभी बात की थी, जिसको हमने क्या बोला था, सेंट्रिपिटल फोर्स बोला था, ठीक है। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स, यही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, और ये एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलो अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक कंपैरिजन करते हैं। ये रहा हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टना, और ये रहा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बापरे कितना बड़ा नाम है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी जो स्पीड है बच्चे वो चेंज कर जाएगी, स्पीड हमारी वेरिएबल हो सकती है। क्या मतलब है, यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल बताऊं, हमारा जो सन है उसके अराउंड अर्थ घूम रही है, यूनिफॉर्मली घूम रही है, सेम स्पीड है, इसीलिए हमारे दिन का जो टाइम है वो 24 आवर्स ही रहता है, ठीक है। जो हमारे साल का टाइम है वो कितना रहता है, 365 डेज ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि मून जो हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, और जो अर्थ हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में कर रही होती है, इसीलिए हमारा दिन 24 घंटे का और हमारा साल 365 डेज का ही होता है। लीप ईयर में थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको इग्नोर करो, लेकिन एक कांस्टेंट हमारा स्पीड रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तो वो हमारे यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो जाता है। यदि इसी सन के अराउंड मैं अर्थ को बहुत तेजी से घुमा दूं, फिर धीरे धीरे घुमाऊं, फिर तेजी से घुमा दूं, फिर धीरे धीरे घुमाऊं, तो क्या होगा, यानी कि हमारा जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, और वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे बच्चे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, वो कौन सा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो यहां पे 3 एक्सेलरेशन काम कर रहे होते हैं हमारे, कौन कौन से, इनको देखो यहाँ पे। सबसे पहला होता है हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है, हमारा वेलोसिटी है बच्चे, ठीक है, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है जिसमें वो घूम रहा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी काम करता है नॉन यूनिफॉर्म में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम किससे बताते हैं, dv/dt से बताते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से बताते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक होता है बच्चे। तीसरा एक्सेलरेशन जो काम कर रहा होता है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे बताते हैं, हम बताते हैं उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन द रेडियस से। ये हमारे तीनों एक्सेलरेशन साथ में काम कर रहे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है, और वो है हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है। चलो, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द, ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, ठीक है, अगर हम घड़ी को देखेंगे तो वो जो उसका सेकेंड का हैंड है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया बच्चे, ठीक है। अब देखो, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे सेंटर में बैठी हूं और मेरे आसपास अगर कोई गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो इंसान मेरे सामने यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था, वो इंसान गोल गोल घूमते हुए यहां तक आ गया, मेरी नजरें उसको देख रही है कि वो यहां से यहां तक आ गया, यानी कि क्या हुआ, एक एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, एक एंगल चेंज हुआ मेरी आंखों का। उसी एंगल को क्या बोला है, उसी एंगल को जो कवर किया है उसको मैंने क्या बोला है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला है। द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द पोजिशन वैक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, थोड़ा सा इसको टफ फिजिक्स के लैंग्वेज में बोल दिया है कि अगर मैं यहां से देख रही हूं उस इंसान को, वो यहां तक चेंज हो गया है, तो जो एंगल यहां पर चेंज हुआ है उसको मैंने
मैंने क्या बोला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला है बच्चे। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन हो जाएगी। यूनिट एंड डायमेंशन याद है कि नहीं है, प्लेन एंगल का मैंने बताया था ना रेडियन होता है, यानी कि ये वाली जो उंगली है इसका, इस वाली उंगली के ऊपर कितना झुकाव है उसको मैंने क्या बोला था, प्लेन एंगल बोला था। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से देख रही हूँ इसकी तरफ, तो इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर के साथ में क्या झुकाव है, वो भी क्या हमारे एक एंगल बना रहा है। देयरफॉर उसको हमने क्या नाम दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम दिया है। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन इसकी यूनिट हो जाएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि ds by dr होता है, वेयर s इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ds by r इसको ध्यान से देख लेना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द रेडियस हमें क्या देता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब डायग्राम में देखो, यहां पे मैं बैठी हुई हूं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर गया इस तरह से, तो ये हमारा रेडियस है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो मूव किया है, और ये आर है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन द रेडियस हमें क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा बच्चे। अब देखो बात करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की। तो जैसे हमारा लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, उसी तरह से हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन वेलोसिटी, विच डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारा क्या देता है, हमें देता है एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम देता है एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका यूनिट कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। वहां पे यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो जाता है रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हम किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंड ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमारा आ जाता है फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, वी है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है बच्चे, लीनियर एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इतनी छोटी सी चीज है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसे हमारा लीनियर एक्सेलरेशन का होता है यूनिट, उसी तरह से इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे बताते हैं बेटा, एल्फा से बताते हैं, और एल्फा विल बी इक्वल टू ए, दैट इज द लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर। इस तरह से हम इसको बताते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, आर इंटू लीनियर एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा, इसको अल्फा कर लेना, ठीक है, इसको यहाँ से हटाना और आर इंटू अल्फा कर लेना, ठीक है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चे। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है, मैंने बता ही दिया है, जो एक्सेलरेशन हमारा काम कर रहा होता है इस पार्टिकल के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर एक सेंटर में फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और तो एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा होगा फोर्स के साथ में, वो है हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारा जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो क्या था, v स्क्वायर अपॉन r था, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर बच्चे। अब समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई बॉल फेंकी है, ठीक है, वो इस तरह से गई और यहाँ पे आके लैंड कर गई इस ग्रीन लाइन से भी आगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और इसी की फिजिक्स हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। ये रहा मेरा इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो अल्टीमेटली ये डायरेक्शन चेंज होता गया है, होता गया है, और अल्टीमेटली बॉल ने यहाँ पे लैंड किया है, राइट। अब इसमें समझो हमें क्या समझना है, ये हमारा था ये इनिशियल डायरेक्शन, ये कितना थीटा डिग्री पे मैंने इसको फेंका था, ठीक है। तो इसी के मैं दो कंपोनेंट्स बना देती हूँ, ये क्या हो जाएगा,
यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे जो यू साइन थीटा है ऊपर की डायरेक्शन में है, इस तरह से कोई चीज जा रही है, यानी कि आगे भी बढ़ रही है साथ में ऊपर भी जा रही है। अगर ऊपर जा रही है बच्चे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। इस डायरेक्शन में अगर जा रही है तो नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो कितना फोर्स हो जाएगा, mg फोर्स, जहां पे m क्या है, मास ऑफ द बॉल है। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, और अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। यहां पे देखो या फिर यहां पे देखो तो यहां पे भी यू कॉस थीटा होगा, यहां पे देखो तो यहां पे भी यू कॉस थीटा, यहां पे भी यू कॉस थीटा, ठीक है। हर जगह जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है बच्चे, ये तो हमारा सेम ही रहने वाला है। यानी कि चेंज क्या होगा मैम, तो चेंज तो बेटा हमारा सिर्फ वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा। यू साइन थीटा हमारा चेंज होगा, क्योंकि किसी बॉल को ऊपर फेंक के देखो, ऊपर जैसे जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो वापस नीचे आएगी अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हुए, क्योंकि उसके ऊपर क्या काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। तो इस डायरेक्शन में तो हमारी वेलोसिटी हमेशा सेम हो रही है, लेकिन हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जरूर चेंज होता है। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, इस चीज को ध्यान से देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हमारा सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचता है, और वो कौन सा है, यू कॉस थीटा। जो यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो तो हो गया बच्चे जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ यू कॉस थीटा बचता है, यू साइन थीटा हमारा जीरो हो जाता है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब बच्चे देखो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब कितना है, क्या है इसका मतलब, कि ये बहुत ही वाहियात डायग्राम देखो, अगर यहाँ पे किसी बॉल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है तो उसको कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, जहाँ पे ये हमारी यू इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हमारा एंगल थीटा था, इससे अगर मैंने इसको फेंका एक्सक्यूज मी, तो कितना टाइम उसे लगा, तो बेटा ये हम बताएंगे 2u sin theta upon g से ये हमारा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। और g क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर हमसे बोला जाएगा कि किसी हम लोगों ने बॉल को थ्रो किया है विद यू सम u वेलोसिटी, तो उसको कितना टाइम लगेगा वापस ग्राउंड तक आने में, अगर मैंने उसको 45 डिग्री से या 30 डिग्री से फेंका है, तो हम इस फॉर्मूला से उसको बता पाएंगे बच्चे, ठीक है। अगर मुझसे ये पूछा गया कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगी, ठीक है, तो मैं हाइट कैसे बताऊंगी, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, अगर ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो ये जो हाइट है, जितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच पाएगा, उसको मैं किससे बताती हूँ, h से बताती हूँ। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसका लंबा सा डेरिवेशन होता है, जिसके ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हमें देता है ये मैक्सिमम हाइट जहां तक ये पहुंच सकता है। फिर अगर बात आती है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज का मतलब क्या होता है वो यहां पे समझो, अगर कोई प्रोजेक्टाइल है उसको इस तरह से फेंका गया है, तो ये क्या है, ये है रेंज, जो डिस्टेंस है जितनी वो कवर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी से हम बताते हैं रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल की, जहां पे थीटा क्या है, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी बना रही होती है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये हमारा होता है
थीटा बच्चे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब यहाँ पे देखो, वी ड्रॉप डाउन अ बॉल फ्रॉम अ रूफ एंड द सेम टाइम थ्रो अनदर बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन बोथ द बॉल्स वुड स्ट्राइक द अर्थ साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट प्लेसेस. क्या मतलब है, अगर मैंने किसी बॉल को यहाँ से थ्रो किया, ठीक है, फ्री फॉल में ये बॉल थ्रो हुई है और अर्थ पे रीच कर गई, और यहीं पे सेकंड क्या दे रखा है, एट द सेम टाइम थ्रो अनदर बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अगर मैं यहीं पे हूँ और अगर मैं किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से थ्रो कर देती हूँ तो क्या होगा, इन दोनों केसेस में बेटा क्या हो जाएगा, इन दोनों केसेस में हमारा जो डिफरेंट प्लेसेस पे हमारी बॉल गिरेगी, लेकिन सेम टाइम पे Both the balls would strike that simultaneously at the different places. इन दोनों को time same लगेगा, time will be same. Time same क्यों होगा, क्योंकि अगर free fall हम लोगों ने किया है, ठीक है, फ्री फॉल में हमारा क्या हो जाएगा, u जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, मैंने हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को अगर फेंका है बच्चे, तो यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट था वो भी तो ज़ीरो था. हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वो तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारा सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. दोनों को टाइम जो लगेगा नीचे पहुँचने में वो सेम लगेगा, इस पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे. द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा. अब इस चीज़ को समझो, अगर मैंने किसी भी बॉल को फेंका है विद थीटा, थीटा डिग्री से फेंका है, और अगर मैंने किसी बॉल को फेंका है 90 माइनस थीटा डिग्री से, तो उन दोनों का जो रेंज होगा बेटा वो सेम होगा. अगर मैंने 30 डिग्री से किसी को फेंका और 60 डिग्री से किसी को फेंका तो उनका रेंज सेम होगा. 35 डिग्री से अगर फेंका और 55 डिग्री से अगर फेंका तो उनका रेंज सेम होगा. 20 डिग्री से अगर किसी को फेंका, 70 डिग्री से अगर किसी को फेंका तो उनका रेंज बेटा सेम होगा. इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे. द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री. इस चीज़ को भी याद रखें कि हमारा ये जो रेंज होता है बेटा, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर्ड होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब ये हमारा थीटा कितना होता है बेटा, 45 डिग्री होता है, तब हमारा ये रेंज मैक्सिमम होता है. और एक और बात याद रखो, अगर 4h इज इक्वल्स टू r tan थीटा, 4h is equals to r tan theta, ये हमारा किसके बीच का रिलेशन होता है, ये हमारा हाइट एंड रेंज के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है, इसको याद रखना. ये एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में इसको अपना लो, एक रामबाण के फॉर्म में इसको अपना लो, कि ये हमारा रेंज और हाइट के बीच का रिलेशन होता है. तो ये फॉर्मूलाज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखेंगे बच्चे, ठीक है. चलो, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, मैंने अभी अभी बताया, और इसका आंसर मुझे कहाँ चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए, ध्यान से मुझे बता दीजिएगा बच्चे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, ठीक है. तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने कवर किया है ग्राफ्स के बारे में. ग्राफ्स हम लोगों ने समझे कि अगर हम स्लोप की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं, तो हम वाई अपॉन एक्स लिखते हैं, और वाई अपॉन एक्स हमें स्लोप देता है किसी भी ग्राफ का. वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फॉर एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन. देयरफॉर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस व्हाट, एक्सेलरेशन. एरिया की बात करते हैं तो वाई इंटू एक्स से हमारा एरिया आ जाता है. उसके बाद में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की बात की थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम लोगों ने बात की थी. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही टाइप का एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों को दो टाइप के नहीं बल्कि तीन टाइप के एक्सेलरेशन देखने को मिले थे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक और कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है. हम लोगों ने वेरिएबल्स की बात की थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की हम लोगों ने बात की, ठीक है. उसके बाद में हम लोगों ने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि इस तरह से फेंका, दूर जाके गिरा, टक,
ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोगों ने बात की, वहां पे हम लोगों ने देखा कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. क्यों? क्योंकि हमेशा उस पर फोर्स कांस्टेंट, बेटा फोर्स उसके ऊपर कोई लग ही नहीं रही है, एडिशनल फोर्स, ठीक है, वो इस तरह से जा रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रही, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. लेकिन अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर लग रहा होता है एक फोर्स जो कि है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हमारा जो वेलोसिटी है वो वहां पे चेंज हो रहा होता है और फिर वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो जाता है. ये हम लोगों ने देखा. टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, रेंज का फॉर्मूला देखा, और हम लोगों ने हाइट का, मैक्सिमम हाइट जो पहुंच सकती है उसका फॉर्मूला देखा. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को एकदम क्लियर हो गई है. नेक्स्ट क्लास के एकदम स्टार्टिंग में हम लोग इस चीज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे अगले चैप्टर की जो कि होने वाला है लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहां से बहुत क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है. तो एकदम तैयार रहिएगा और अपने कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रखिएगा. तब तक के लिए वंदे मातरम.